देखती ना। पूनम कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। तुम कब लौटी? बस अभी अभी। तुम्हारे अंकल और आंटी कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक है। उनके साथ एक शहर से दूसरे शहर घूमती रही हूँ, बस जैसे ही लौटी तुम्हारे पास मिलने के लिए आ गई। तुम अपनी सुनाओ, अक्रम के साथ कोई बात आगे बढ़ी? तभी तक वहीं पर अटकी हुई है। पहले बैठो तो सही। तुम भी ना आते ही उल्टी सीधी बातें शुरू कर देती हो। तुम्हें और कोई बात नहीं सूझती क्या? अरे सूझेगी कैसे, हर वक्त तुम्हारा ख्याल जो रहता है मुझे। हाँ कितना ख्याल रहता है मैं सब समझती हूँ, एक फोन तक नहीं किया। अरे फोन नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारी याद नहीं आती। अच्छा बताओ ना अकरम का क्या हाल है? अरे पूनम बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। मेरी छोड़ी आंटी, ये बताइए हिना की जिंदगी में क्या हो रहा है? इसने तुम्हें बताया नहीं? ये कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? पहले तुम थोड़ा दम ले लो फिर बताऊंगी। अरे सब्र कैसे करूं, बताओ ना जल्दी। अच्छा छोड़ो आंटी, आप बताओ ना प्लीज। अकरम से इसका रिश्ता तय हो गया है। सर इसका मतलब? इसका मतलब ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मैंने कहा समय नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और मैं ये जानती हूँ कि अकरम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और वो सब खुशियाँ देगा तुम्हें जो समीर नहीं दे सके। देखो एक बार मैं फिर कह देता हूँ, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। सपा साहब सलाम। अरे सलाम नटकरनी साहब, आइए आप लोग ऊपर जाइए, बैठिए तशरीफ रखिए। मैं आज आपके पास ही आने वाला था लेकिन मैं खुद आ गया आपकी अमानत आपको लौटाने। कैसी अमानत? सरपंच साहब मैंने आपसे कभी 1,00,000 रुपए कर्ज लिया था, आज इसी को वापस करने आया हूं। मैं माफी चाहता हूं नटकर्णी साहब, मैं अपने तकाजे के लिए आपके पास कभी नहीं आने वाला था, आपको इन्विटेशन देने के लिए मैं आने वाला था। मेरे बेटे की शादी हो रही है। बेटे की शादी? मुबारक हो भाई। नहीं नटकर्णी साहब, आप शादी में जब आएंगे तभी मैं आपकी मुबारकबाद कबूल करूंगा। फिलहाल आप इसे रख लीजिए। नरकनी साहब अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे रख लीजिए। सरदार साहब मैं भी अगर आपके किसी काम आ सका तो मैं उसे अपना सौभाग्य समझूंगा। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। बाय द वे आप इसे गिन लीजिएगा। आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं नटकर्णी साहब, आपने तो गिना ही होगा। नहीं फिर भी मेरी तसल्ली के लिए। चलो भाई ठीक है पूरे हैं नटकर्णी साहब। सरप्राज साहब मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो क्या कब हुआ? ठीक है मैं आ रहा हूं। क्या बात है? सॉरी नरकनी साहब मेरे एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा। आप फौरन चलिए। चलिए। हिना तुम अपने आप से बहुत बेजार लग रही हो, तुम्हें शादी से खुश तो हो ना? मैं खुश क्यों नहीं होंगी? तुम खुश हो, मेरे अम्मी और अब्बू खुश हैं, मुझे भला और क्या चाहिए? हीना अभी तक यहाँ बैठी हो, हद करती हो। क्या हुआ आंटी? अकरम की फूफी इसे देखने आने वाली है, मैंने इसे बताया भी और यह है कि तैयार ही नहीं हो रही। वो किसी भी वक्त आ सकती है, मुझे किचन संभालना है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ? आप सिर्फ किचन संभालिए आंटी, हीना को तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है और इतना सुंदर तैयार करूंगी कि अकरम की फूफी देखते रह जाएंगी। मैं कोई नुमाइश की चीज हूँ जो सजा कर दिखाओगी? मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। लो सुन लो इनकी बात, वो अकरम की फूफी हैं, तुम्हारी फूफी सास होने वाली है। तो है तो क्या? हीना आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। The first impression is the last impression. पैकेट तो मैंने यही रखा था, कहाँ चला गया? क्या तलाश कर रहे हैं अबू? अरे अच्छा हुआ बेटे तुम आ गए, वो पैकेट तुमने तो नहीं रखा कहीं? पैकेट? कौन सा पैकेट? वही जिसमें वो 1,00,000 रुपए थे। लाख रुपए?
हाँ बेटे, वो नटकरनी साहब लौटा कर गए थे, यही रखा था मैंने। अब वो आपने शायद कहीं और रखा होगा, याद कीजिए। नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यही रखा था, मैं एक पेशेंट को देखने चला गया था। अब वो आप भी तो कमाल करते हैं ना, लाख रुपए यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चले गए आप। बेटे वो इमरजेंसी थी, उसको हार्ट अटैक आया था, मैं उठाना ही भूल गया। अरे भाई साहब सुनिए, यहाँ पर एक पैकेट था, आपने देखा क्या? पता नहीं साहब, जब हम खाना खाने गए तो पैकेट वहीं पे पड़ा था। अच्छा, अब वो शायद फूफी ने कहीं उठा के रख दिया, आपने पूछा उनसे? वो तो हिना के घर गई है। मामू जान, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पैकेट मेरे पास है, गिन लीजिए, पूरे लाख रुपए हैं। लेकिन ये पैकेट तुम्हारे पास? मामू जान आप भी कमाल करते हैं, अरे शादी का घर है, 50 लोग आते जाते रहते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ मैंने पैकेट को देख लिया और अपने पास रख लिया, वरना लोगों की नीयत खराब होते देर नहीं लगती। शुक्रिया बेटे। शुक्रिया कैसा मामू, ये तो मेरा फर्ज था। जाबिर, तुमने सचमुच हमारा दिल जीत लिया। अबू अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पैसे मिल गए। शगुफ्ता बेगम आइए आइए, कब से आके बिछाए बैठी हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, मैं शगुफ्ता हूँ, हिना की अम्मी। आप में से सायरा आपा कौन है? मैं हूँ। माफ कीजिएगा, पहले मिली नहीं हूँ ना, इसलिए पहचानी नहीं। आइए बैठिए। रखो। अब जरा दुल्हन बेगम को तो हाजिर करो, उसका चांद सा मुखड़ा देखने को आंखें तरस गई हैं। अभी बुलाती हूँ। घर तो अच्छा खासा लगता है, काफी खाते पीते घर के लोग लगते हैं। सोसाइटी में बहुत इज्जत है इनकी, बड़े शरीफ और नेक लोग हैं। फिर भी बेटी तलाकशुदा है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, चांद सी सूरत पाई है तुमने। आ जाओ बेटी, मेरे पास बैठो। बेटी, मैं तुम्हारे होने वाले मियाँ की फूफी हूँ। अरे नजरें उठाकर देखो तो सही। माशाल्लाह, क्या नूर है आंखों में, किसी की नजर न लगे। करो। ये मुंह दिखाई के नाम मेरी तरफ से, इसमें कुछ जोड़े हैं तुम्हारे लिए। शगुफ्ता बेगम, ये हमारी तरफ से कबूल कीजिए। शुक्रिया। अरे ये तो कुछ बोलती ही नहीं, लगता है जैसे मुंह में जबानी नहीं है। जी बहुत शर्मीली है। शगुफ्ता बेगम, मैं जरा इससे दो बातें कर लूं। क्यों नहीं, आओ पूनम। देखो बेटी, तुम लाख शर्मीली सही, पर मुझे इतना बता दो कि तुमने ऐसी कौन सी गलती की थी या ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे बैठा।